राधे गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धन्यवाद गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा अपरंपार गुरु तत्व क्या है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र तीन ही तत्व बताए गए हैं। एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम् नातः परम वेदितव्यम् किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। सैकड़ों वेद मंत्रों में बताया गया कि एक जीव है, एक माया है, एक भगवान है। ये तीन तत्व हैं, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। ये गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा, ये क्या है, ये गुरु होता क्या है? भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव एक माया, एक चेतन शक्ति जीव, जड़ शक्ति माया। इन दोनों का अध्यक्ष शासक शक्तिमान भगवान है, बस बात खत्म। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व इन तीनों से बाहर नहीं है। कोई तत्व चौथा होता ही नहीं तो बाहर कैसे होगा? जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको भक्त कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जो प्राप्त कर ले। ऐसे कपड़ा रंगाने से नहीं, शास्त्र वेद का अध्ययन कर लेने से नहीं, जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, श्री कृष्ण के दर्शन कर ले, उसी का नाम महात्मा। जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो उसका नाम महात्मा। और जो महात्मा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा दे, यानी जिसको हम, जिस महात्मा को हम चुन लें कि ये हमको भगवान से मिला सकता है, बस उस महात्मा को हम गुरु बोल देते हैं। यानी महात्मा या भक्त या महापुरुष का दूसरा नाम है पर्यायवाची गुरु। वो भी जीवात्मा है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद परमात्मा के बराबर हो गया, इसलिए वो हमको परमात्मा से मिला सकता है, वो गुरु हो गया। गु माने माया, रु माने निकालने वाला, माया को समाप्त कर देने वाला, उसको गुरु कहते हैं। तो उसी गुरु की महिमा का वर्णन हो रहा है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, भक्त पद धूर और
भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल, यही सेवा है ते कृष्ण प्रेमा होए। भक्त की चरण धूल, भक्त का चरण की आचमन जल और भक्त का उच्छिष्ट जूठन, इन तीनों के सेवन से श्री कृष्ण में प्रेम प्रकट होता है, श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है। तो ये गुरु तत्व इतना बड़ा है कि भगवान इसके नीचे है। ध्यान दो, भगवान नीचे है। अरे जो भगवान को प्राप्त कर ले उसी को तो आप गुरु कह रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन प्राप्त कर लेने के बाद वो भक्त भगवान से बड़ा हो गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, औरों की बात जाने दो, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अंडर में हूं। क्योंकि भक्त के पास भक्ति है और मैं भक्ति के अधीन हूं, इसलिए भक्त के अधीन हूं, इसलिए गुरु के अधीन हूं। कितना अधीन हूं? अनुब्राम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी भागवत। मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं इसलिए कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये श्री कृष्ण का वाक्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्यम माम बिजानियात, मैं उसके अधीन रहता हूं, उसको मनुष्य बुद्धि उसमें मत लाओ। न मर्त्य बुद्ध्यासु ये, तो मनुष्य बुद्धि लाए कि नामा अपराध हुआ, और नामा अपराध हुआ कि साधना सब 0/100। क्रिया उसकी सब मनुष्य की है। हाँ, आदत है हमारी दूसरे में दोष देखने की, तमाम जन्मों की, तो उसमें भी दोष देख लेते हैं तो नाम अपराध कर बैठते हैं। तो अनंत जन्म यही किया, साधना भी किया, ये भी करते रहे, जो कमाया गमाया और दंड अलग भोगा। तो ये गुरु तत्व भगवान से बड़ा है, इसलिए वेद व्यास ने कहा नास्ति तत्वम गुरो परम, तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु के समान कोई तत्व नहीं, गुरु से परे कोई तत्व नहीं। क्योंकि भगवान करेंगे क्या, किसी जीव को भगवान दर्शन दे नहीं सकते, इम्पॉसिबल। हाँ, अरे भगवान को दर्शन देने में कौन रोकेगा? कानून, संविधान। बिना गुरु के भगवान किसी जीव को भक्ति दर्शन प्रेम कुछ दे ही नहीं सकते। वो भगवान ने कानून बनाया है, स्वयं बने हुए हैं। तो यदि गुरु ना हो हमारे और भगवान के बीच में, तो हम अनंत कोटि कल्प भक्ति करके भी कुछ नहीं पा सकते। क्योंकि हमको दिव्य प्रेम देगा कौन? और फिर दिव्य प्रेम देने की बात तो दूर की है। श्री कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं, हमको क्या करना है, ये सब श्री कृष्ण बताने आएंगे? कैसे आएंगे? वो तो कहते हैं भाई देखो तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, सब दिव्य हो जाए, सब हिसाब किताब ठीक हो जाए तो मैं आऊं। उसके पहले मैं किसी के सामने नहीं आ सकता, अंदर बैठा रहूंगा, चोरी चोरी कर्म को नोट करूंगा,
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकता मैं, और अगर देंगे भी मान लो 0.1% तो क्या होगा, हमारा दिमाग खराब होगा, क्योंकि उनकी लीला तो मनुष्यों में भी सबसे बदतर है। देखो आप इतने लोग बैठे हैं, किसी का बाप खो जाए, माँ खो जाए, बीबी खो जाए, पति खो जाए, बच्चा खो जाए, तो कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा कि पेड़ों से, पक्षियों से, वृक्षों और लताओं से पूछे हमारा बेटा कहाँ है, हमारी बीबी कहाँ है, हमारा पति कहाँ है, बता दो। इतना अटैचमेंट आज भी 5 अरब आदमी में किसी एक का भी नहीं है। ठीक है रो लेगा, बहुत अटैचमेंट है तो थोड़ा हाय तोबा कर लेगा, 2-4, 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, बस खत्म। फिर रसगुल्ला खाता है, हंसता है, सब काम करता है, सोता है। सबके माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति मरा करते हैं संसार में, सब आराम से 10 दिन बाद सब छुट्टी, खत्म, भूल गया। कोई ऐसी समाधि में नहीं जाता कि अपने आप को भूल जाए। को हम ब्रूहि सखे, लक्ष्मण से राम कह रहे हैं मैं कौन हूं। लक्ष्मण कहते हैं आप राम हैं। अच्छा मैं राम हूं, के यूजम तुम कौन हो। ये हाल है। तो देख राम देख सुन चरित्र तुम्हारे, उनका चरित्र तो ऐसा विचित्र है कि विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा को मोह हो गया इसी ब्रज में। मनुष्य की क्या है इसी साधारण जीव की, क्यों मोह हुआ, इसीलिए तो हुआ ना कि भगवान तो उसे कहते हैं जिसे न भूख लगे न प्यास लगे, आइए ग्वालों के मुख से जूठन छीन छीन के खा रहा है, एक ऐसा भगवान। चरित्र देख करके ही तो मोह हुआ। ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो दिव्य रूप तो दिखाई नहीं पड़ेगा, प्राकृत रूप दिखाई पड़ेगा, और उनके चरित्र इतने विचित्र हैं कि बड़े बड़ों का भी खोपड़ा खराब हो जाए, साधारण मनुष्य की क्या हैसियत। तो उनके दर्शन देने का फायदा ही क्या हुआ। अरे आए हैं, आप लोगों ने देखा है 1000 बार, डॉक्यूमेंट्री कर दी, ये भगवान है, ये गोपियों के पीछे पीछे घूमा करते हैं, हाँ हाँ यही, वाह वाह वाह, क्या तुम्हारे भगवान है, कोई नहीं मानेगा। हम लोगों ने भी नहीं माना उस जमाने में, बुराई की। ऐसे ही हमें कोई महात्मा मिला तो उसके प्रति भी हमने ऐसे ही सब किया, दोष देखा, कमी देखा, अवगुण देखा, वो चाहे जैसे रहे। कपड़ा रंगाए, कपड़ा क्यों रंगाए है, लो अच्छा न रंग, सफेद पहन लिया, सफेद क्यों पहने है, वो कुछ भी करे लेकिन हमारी खोपड़ी खराब है, माइक है, दोष देखने की आदत है, तो वो बोलेगा दाढ़ी क्यों रखाए है, बताता है कि मैं महात्मा हूं। अच्छा कटवा दो, ये दाढ़ी क्यों कटवा देता है, कैसा बाबा है, लो आखिर क्या करे वो कि सबको पसंद आ जाए। ये हम लोगों के बीच में क्यों आता है महात्मा, अरे बाबा है, जंगल में जाके अपना गोवर्धन की तरेटी में राधे राधे करे। अच्छा भाई जाओ वहीं करो, कर रहा है वहां क्या राधे राधे कर रहा है, हमारे बीच में आवे, हमारा कल्याण करे, ये तो स्वार्थी है जो वहां गोवर्धन की तरेटी में राधे राधे करता है, लो अब क्या करे वो, कोई सूरत नहीं। यही किया हम लोगों ने हर महात्मा के मिलने पर। और जो दंभी है उसके चक्कर में पड़ गए उल्टा,
दंभी के चक्कर में पड़ गए और असली संत ने नामापराध कर डाला। तो भगवान के दर्शन से भी कोई लाभ नहीं, संत के मिलने से भी कोई लाभ नहीं। जब तक हम पहले सबसे पहले थियरी समझें, तत्व ज्ञान, गुरु को कैसे पहचाना जाए, ये सब समझें, तब हमारा काम बन सकता है। क्योंकि पहली शर्त है कि बुद्धि लगाना बंद करो, शरणागति कहते हैं उसको, गुरु के शरणागत हो जाओ। पहला काम, पहला दर्जा, पहला अध्याय, स्कूल में जाकर विद्यार्थी मास्टर की शरण में चला गया। मास्टर साहब ने जैसा कहा वैसे ही बोला, जैसा लिखने का स्वरूप बनाया का वैसे ही का लिखा, बुद्धि नहीं लगाया। डॉक्टर के पास चला गया मरीज, डॉक्टर ने जैसा बताया, जैसी दवा दी, जैसा परहेज बताया वैसे ही किया, बुद्धि नहीं लगाया। संसार में ऐसे ही सबसे पहला काम, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समिक पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को पाने के लिए सबसे पहले गुरु की शरण में जाओ, तब वो तुम्हारे समझाएगा तुमको सबसे पहले कि तुम क्या हो, भगवान क्या है, तुम्हारा भगवान से संबंध क्या है, वो संबंध किस प्रकार से परिपक्व होगा, गड़बड़ क्या है, सही क्या है, ये सब बातें तुम अपने आप कैसे समझ लोगे। अपने आप तो तुमको का बोलना भी नहीं आया था, अरे तुमने का भी तो किसी मास्टर से सीखा। यहां तक कि भगवान अवतार लेकर के आए तो वो भी गुरु जी के पास पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये तो हमारे संसार में भी डल माइंड भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। राम जीनियस थे, जल्दी कैच कर लिया, अपने आप क्यों नहीं आ गया उनको, है भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो सर्वज्ञ होता है। यस सर्वज्ञ सर्व विद्यस्य ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है। तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु की शरण में जाने पर ही मालूम पड़ेगा गुरु किसे कहते हैं, और कौन बताएगा। जो अगुरु है, संसारी है, वो कैसे बताएगा कि तुम देखो गुरु के शरण पर जाना है ना तुमको। हाँ तुम, मैं बता दूं वैसे करना, क्या बताएगा तू, तू शरण में क्यों नहीं गया अगर जानता है तो, तू क्या बताएगा, तू तो संसार की शरण की बात बताएगा। तो जब गुरु तत्व ज्ञान करा दे, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, सब नॉलेज हो जाए, तब तुम चलोगे, काका काका पढ़ोगे, फिर एक एक कक्षा पार करते हुए एमए तक जाओगे, तब मास्टर बनोगे ना। तो उसी प्रकार गुरु के द्वारा ही तत्व ज्ञान, गुरु के द्वारा ही साधना प्रारंभ, गुरु के द्वारा ही साधना के जहां जहां डिस्टर्बेंस आएगा उसको तुम बताओगे, गुरु हल करेगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरु ही तुमको दिव्य प्रेम देकर भगवान के दर्शन कराएगा, सारा काम गुरु करेगा। इसलिए गुरु महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा बुद्धि से परे है। अगर भगवान के बराबर भी मान लो
तो जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं, ऐसे गुरु बुद्धि से परे हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन अंतर ये है कि भगवान से हमें पहले कोई लाभ नहीं मिलेगा और गुरु से पहले भी लाभ मिलेगा, बीच में भी लाभ मिलेगा, अंत में भी लाभ मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में गुरु की महिमा भगवान से बड़ी बताई गई है। कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती गुरु के पास भगवान से अधिक। जो कुछ भगवान के पास है वो सब गुरु को दे देते हैं, बस उससे अधिक क्या होगा उसके पास। जो उसके पास था वो उसने फेंक दिया पहले, माया का अटैचमेंट, और जो भगवान के पास था वहां से मिल गया उसको, उसी को महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो यद्यपि भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत भक्त, ये सब एक है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हमारा स्वार्थ इन सब में जिससे अधिक सिद्ध हो उसको हम बड़ा कह देते हैं, और फैक्ट है, वही हमारे लिए उसी के हम ऋणी हैं। भगवान से बड़ा भगवान का नाम तमाम शास्त्रों में लिखा है, राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त। ये नाम बड़ा भक्त बड़ा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इससे हमारा काम बनता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पात्र तैयार होता है, हम भगवान के दर्शन के अधिकारी बनते हैं, इसलिए कह देते हैं बड़ा है। तो गुरु तत्व परमावश्यक है। इसमें एक रहस्य और भी है, जैसे एक कनेक्शन आपके यहां हॉल में लगा है, बिजली का तार है बिजली के, इसका संबंध पावर हाउस से है, तो पावर हाउस से तुम्हारा संपर्क नहीं हो सकता, इसी से तुम्हारा काम बनता है, लाइट होती है, पंखा चलता है। अगर तुमने इसको पकड़ लिया नंगे तार को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो तुमको एक अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? कि उसके पास पावर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी है, उस तार के पास, तो तुमको पावर हाउस जाने की जरूरत नहीं, इसी तार से तुम्हारा काम हो गया, तुम पावर हाउस को समर्पित हो गए, मर गए। तो चाहे इसी को पकड़ लो और चाहे तुम इसको प्लस पावर हाउस दोनों को पकड़ो, दोनों को मानो एक सा, दोनों का एक फल है। यानी चाहे भगवान प्लस गुरु दोनों को बराबर मानकर भक्ति करो, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कह रहा है, यथा जैसे भगवान की भक्ति जिस तरह से करते हो उसी तरह से गुरु गुरु की भक्ति करो। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वही हम नहीं कर पाते, बुद्धि गंदी है, माइक है, डाउट की है, पर दोष देखने की तमाम बीमारी है, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती, ब्रेक लगा देती, गंदा कर देती। जो थोड़ा बहुत कपड़ा धोते हैं ये सब गड़बड़ी आके उसको और गंदा कर देती है। एक तरफ राधा कृष्ण के लिए आंसू बहा देते हैं और एक तरफ कुसंग करते हैं खाली टाइम में। यही पर मैं रोज चिल्लाता हूं, आप लोग नहीं सुनते,
बाहर से आए हुए हैं, कुछ वृंदावन के हैं, यही बास करते हैं, दो प्रकार के आप लोग हैं यहां, लेकिन कीर्तन से उठे क्या बोले जा रहा है, क्या भाष्य रच रहा है, रहा ही नहीं जाता बिना बोले। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, और जब बोलेगा अधिक तो फिर कोई गड़बड़ी और पैदा होगी, कोई बच नहीं सकता। हमारे सारे संसार में 50% दुख गृहस्थियों को केवल बोलने से मिलता है, स्त्री पति बोलने से, बाप बेटे बोलने से, भाई बहन बोलने से बड़ी बड़ी दुश्मनी हो जाती है। वाक्य से किसी का कोई छीन है ना, खाली वाक्य। अगर ये बोलने पर कंट्रोल हो जाए तो 50% अशांति समाप्त हो जाए संसार की। निरर्थक बोलना, काम की बात आप कितनी करते हैं, नहीं फालतू बैठे हैं और एक आदमी बगल में है, फिर अब बोलना है, क्यों भाई तुम कब जाओगे, शुरू हुई बातचीत अच्छे ढंग से, और फिर बढ़ते 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 वो कुसंग में परिवर्तित हो गई, किसी की निंदा, किसी में दोष बुद्धि, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। अरे ठीक है, वो खराब है, तुम क्यों सोचते हो, अपने मन को गंदा क्यों करते हो खराब चीज सोच के, सारा संसार खराब है, तुमको बताया तो गया है कि सब मायाबद्ध, कामी क्रोधी लोभी मोही हैं, चाहे स्वर्ग के हो चाहे मृत्युलोक के हो, फिर क्या करोगे तुम, तुमको भगवान की भक्ति करना है, गुरु की शरण के जाना है, या उन गंदगी की शरण में घूमना है, मन को उसमें पहुंचाना है और गंदा करना है, इतना नहीं सोच पाता। रुपए को तो बहुत संभालता है, 10 रुपया भी फालतू खर्च ना हो, और इस पूंजी को गमा देता है लापरवाही से। अरे जो नहीं जानते, कुछ जिनको कोई गुरु समझाने वाला नहीं मिला, वो तो बेचारे मजबूर हैं। जब समझ गए आप, तो फिर आपको तो अभ्यास करना चाहिए कि ये गलती ना होने पाए। तो ये सब गड़बड़ी बिना मिटाए शरणागति होगी नहीं, और बिना शरणागति के अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए अनंत कोटि जगत गुरु आ जाए, अनंत कोटि श्री कृष्ण आ जाए, कुछ नहीं दे सकते। अगर उनके हाथ में होता सब कुछ तो संसार ही क्यों रहता। श्री कृष्ण संकल्प कर लेते सारे विश्व का कल्याण हो जाए, या कोई एक महात्मा, अनंत अवतार हुए, अनंत महात्मा हुए, किसी ने किया ऐसा कमाल, ऐसा अधिकार नहीं। तुमको बताएंगे, सब साधना बताएंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन करना तुमको होगा। उनकी अनंत कृपा है, गुरु वो भगवान कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। डांटते हैं तो भी कृपा है, प्यार करते हैं तो भी कृपा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार भी करती है, झापड़ भी लगाती है गलती करने पर, अब बच्चा भले ही बुरा माने, हमको मारा मम्मी ने, अरे क्यों मारा, तुमने गलती की ना, तुमने पेंसिल चुराई अपने क्लास फेलो की, आज पेंसिल चुराया है, कल तुम कोई और बड़े चीज चुराओगे, जब बड़े हो जाओगे तो तुम डाकू बनोगे। अगर तुमको हम झापड़ न मार देते तो तुम ऐसे ही बढ़ते जाते। तो वो कृपा है, कोप नहीं है।
नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से कहा था इसी ब्रज में कालिदह में कि क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मतः, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु, तुम्हारा क्रोध भी अनुग्रह है, कृपा है। तुमने हमारे पति पर क्रोध किया, कालिया नाग को दंड दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। आपके चरण उसके सिर पर घूमे, ये सौभाग्य बड़े बड़े परमहंसों को नहीं है जो हमारे पति को मिला। तो इसलिए हम लोगों को सावधान हो करके जब गुरु मिलेगा तब ठीक है शरणागत होना, लेकिन नॉलेज तो प्राप्त कर लो पहले। कि शरणागति का अभिप्राय जो है वो ये है कि सदा सावधान रहो, प्रतिक्षण। ये मतलब नहीं है कि थोड़ी देर के लिए शरणागत हो गए बाकी टाइम में चप्पल लगा दिया गुरु जी को, ये शरणागति नहीं है। तो नामापराध का भी भयंकर नामापराध है। नहीं महाराज जी, नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ हैं। या मन में ही सोचा न बोले, कोई सभ्य होगा तो मुंह के सामने न बोलेगा लेकिन सोचेगा, वो भी अपराध है, नाम अपराध है, उससे बचना होगा। यही एक दुश्मन है नाम अपराध, जो हमको अनादिकाल से अब तक अनंत बार संत भगवान के मिलने पर भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं करा सका। इसलिए गुरु तत्व अनिर्वचनीय है, बुद्धि से परे है, लेकिन अनादिकाल से अब तक अनंत जीवों ने गुरु की शरणागति करके लक्ष्य प्राप्त किया है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं, हम भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि सारे नियमों का ठीक ठीक पालन करने का अभ्यास करें। आज अपराध जो हुआ वो कल न होने पाए, तो एक दिन गुरु तत्व के द्वारा हम परमात्म तत्व को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे। ये है हल्का फुल्का आइडिया गुरु तत्व का। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धन्यवाद, गुरु चरण धूरि सिर धार, गुरु महिमा अपरंपार। हमारो धन राधा कृष्ण, राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन राधा कृष्ण, हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण, राधा कृष्ण राधा, हमारो धन।